बंगाल की सबसे बड़ी नेता, यहाँ की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता जी, मंच पर उपस्थित सभी दलों के हमारे सभी वरिष्ठ नेता, यहाँ पर उपस्थित बड़ी संख्या में आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले आदरणीय ममता दीदी जी को धन्यवाद और बधाई दूंगा कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को करने का फैसला किया। मैं देख रहा हूं यहां से लेकर के आखिरी जगह तक, जहां तक नजर जा रही है, लोगों के शरीर सर दिखाई दे रहे हैं, कुछ और दूसरी चीज नजर नहीं आ रही है। जहां मंच पे इतने लोग बैठे हों जिन्होंने लगातार वो बात कही है, लगातार वो बातें बताई हैं कि आज हमारे और आपके अधिकारों को खतरा है। मैं बंगाल की धरती को नमन करता हूं। वैसे तो बंगाल मुझे आने का कई बार मौका मिला है, लेकिन आज जो मौका मिला है उसका उद्देश्य ही दूसरा है। और मैं ये कह सकता हूं, जो बात बंगाल से चलेगी वो देश में दिखाई देगी। ये तो अच्छा हुआ आदरणीय दीदी जी का मैं धन्यवाद दूंगा कि 12 तारीख को सपा, बसपा और हमारे सहयोगी दलों का गठबंधन हो गया। लोग सोचते थे गठबंधन नहीं होगा, 12 तारीख को गठबंधन हुआ, देश में खुशी की लहर दौड़ गई। और आज की जो रैली है, इसका संदेश जब देश में जाएगा, देश की जनता भी फैसला लेने के लिए तैयार हो जाएगी। अभी अभी साल नया आया है, हमने आपने न जाने कितनों को बधाई दी होगी नए साल की। अभी जब तारीख बदली, नया साल आया, हमने आपने सबने खुशी मनाई, एक दूसरे को बधाई दी। सोचो कभी ये बदलाव आया और देश में नया प्रधानमंत्री आ जाए तो कितनी खुशी होगी हमें और आपको मिलकर के। वो लोग कहते हैं कि इतने लोग हैं इनके पास, इतने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। कभी कभी हमें चिढ़ाने के लिए ये भी कहते हैं, इनके पास दूल्हे बहुत हैं, कौन बनेगा। हम तो कहते हैं, अगर हमारे पास दूल्हे ज्यादा हैं, जो जनता तय करेगी वही बनेगा, और पहले भी बना है, फिर एक बार नया प्रधानमंत्री बनेगा। हम पे तो इतने हैं, हम आपसे पूछते हैं, जो फेल हो गए, जिन्होंने देश को निराश कर दिया, जिन्होंने जनता को धोखा दिया, जिन्होंने छल किया, जिन्होंने साजिश की, षड्यंत्र किया, समाज में नफरत फैलाई, उसके अलावा अगर कोई दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी पर हो तो वो बता दें कि आप पर दूसरा नाम कौन सा है। इस नाम ने निराश कर दिया है देश को। और फिर ये तो अभी कम दलों का गठबंधन है, अभी तो ज्यादा दलों का गठबंधन नहीं है। हमने तो आपसे सीखा है, आपने गठबंधन करके सरकार बनाई, तो हम लोगों ने भी ये देश की खूबसूरती को एक मंच पे ला करके एक खूबसूरत गुलदस्ता बनाने का काम किया है। अभी तो हम पे बहुत गुंजाइश है, आप पे 40 गठबंधन हैं, 40 गठबंधन के साथ साथ जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, आप और लोगों से भी गठबंधन कर रहे हो, सीबीआई से, ईडी से, लेकिन हम सबने मिलकर के जनता से गठबंधन कर लिया है। और लोकतंत्र में जो जनता तय करती है वही फैसला होता है।
इसलिए मैं आप सबसे आज के दिन, ऐतिहासिक दिन, आपसे अपील करने आया हूं कि उत्तर प्रदेश और पूरे देश ने मन बनाया है। अभी हमसे पहले तमिलनाडु के नेता बोल रहे थे, सोचो तमिलनाडु में खाता नहीं खुलेगा बीजेपी का, और सपा बसपा आरएलडी और हमारे सहयोगी दल मिल गए। उस दिन से भाजपा में बैठक हो रही है, बैठक के बाद बैठक हो रही, और वो सोचने के आखिरकार उत्तर प्रदेश में एक सीट कैसे जीती जाए। अभी बंगाल, बिहार, झारखंड, अगर तमिलनाडु जीरो कर सकता है बीजेपी को, तो हमारी आपकी जिम्मेदारी भी है, भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुले। और फिर हर बात पे निराश किया जो बोलते थे कि सबका साथ सबका विकास होगा, उन्होंने समाज में जहर घोलने का काम किया। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, हम लोगों ने बहुत काम किया, लेकिन बीजेपी के लोग काम पर वोट नहीं मांगते। वो न जाने क्या साजिश करेंगे, षड्यंत्र करेंगे, आपके साथी को तोड़ लेंगे और उससे जाकर के संदेश देने का काम करेंगे। इसलिए मेरी अपील है आपसे कि इनकी साजिश में न फंस कर करके देश को बचाने का काम करना और अपनी पार्टी को मजबूत कर करके एक एक सांसद जिता करके भेजने का काम करना। मैं एक बार फिर आदरणीय ममता जी को बधाई दूंगा, तमाम नेताओं को बधाई दूंगा कि देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और जो संवैधानिक संस्थाएं उनको बचाने के लिए जो काम किया है, उसके लिए मैं बधाई देता हूं। और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम जिसमें लाखों लाख लोग दिखाई दे रहे हैं, शायद आखिरी वाले को हम दिखाई भी नहीं दे रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उसका जो तो सा कम नहीं हो रहा है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया, मैं बधाई देता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारी वीडियोज को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।